नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि प्रवेश बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की सूचना निकल चुकी है। अगर आप 12वीं बायो के साथ पास किए हैं और अगर आप इच्छा रखते हैं प्रवेश पाने के, बीएससी नर्सिंग में प्रवेश पाने के, तो इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजगार और शिक्षा की जानकारी मिलते रहे। अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर 12वीं आप पीसीबी से पास किए हैं अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास किए हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के पात्र हो सकते हैं और इसके लिए सूचना जारी हो चुका है संचालनालय शिक्षा के चिकित्सा शिक्षा के द्वारा। यहाँ पर क्रमांक जो जारी हुआ है 7434 और दिनांक रायपुर से ये जारी हुआ है 21/8/2020 को, जिसका प्रवेश जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप प्रवेश वर्ष 2020 नर्सिंग पाठ्यक्रम बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी एंड एमएससी में प्रवेश भी आप पा सकते हैं। तो यहाँ पर 2020 के लिए प्रवेश के शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी नवा रायपुर के पत्र क्रमांक से ये जानकारी निकल के सामने आई है। जो वैश्विक महामारी और कोरोना 19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश परीक्षा में आयोजित को निरस्त करता है और ये जो परीक्षा होगा वो मेरिट के अनुसार से लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपका परसेंट बहुत ज्यादा है या टॉप लेवल पर है तो आप मेरिट लिस्ट में जरूर आ सकते हैं और शासकीय या निजी महाविद्यालय में आप बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग की सीट आप पास प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग, जिसके लिए आपको प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश सूची बनाई जाएगी, तो उसके लिए आप परीक्षा 10+2 अर्थात 12वीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये तीनों विषय, अगर पीसीबी की बात करें तो तीनों विषय जोड़ करके न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ये रहा बीएससी नर्सिंग, अगर आप प्रवेश चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है और हर साल ये परीक्षा जो है ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन इस वर्ष जो है कोरोना महामारी के चलते ये प्राप्तांक प्रावीण्य सूची के अनुसार, मेरिट लिस्ट के अनुसार से होगा। और इसी प्रकार से बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के, तो इसके लिए जनरल नर्सिंग मीडिया फ्री उत्तीर्ण और राज्य नर्सिंग परिषद में आपका पंजीयन होना चाहिए। तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें एमएससी नर्सिंग, तो यहां पर 55% एग्रीगेट अंकों के साथ बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग उत्तीर्ण होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एक छूट दिया जाता है अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5% का शिथिलता भी यहाँ पर प्रदान करता है। और दूसरा अगर बात करें तो बेसिक बीएससी उपरांत 1 वर्ष का अनुभव अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पूर्ण अथवा पश्चात 1 वर्ष का अनुभव भी होना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये तो रहा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग प्रवेश चालू हो चुकी है। आप चाहते हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं ये कोर्स करना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिस हेतु अब आवेदन पत्र जो है आप देख सकते हैं, आवेदन पत्र जो है 24 अगस्त 2020 से शुरू हो चुका है और ये 12 बजे से प्रारंभ हो गया है। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर 23 सितंबर 2020 को रहने वाली है, जो समय 8:59 तक होने वाला है। अर्थात ये जो फॉर्म है 23 सितंबर 2020 को आखिरी हो जाएगा। अगर आप अधिक और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.cgdme.co.in पर आप अवलोकन भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप यहां से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अगर आप करना चाहते हैं और इसका किस प्रकार से होने वाला है, आप इसको पूरा नोटिफिकेशन से आप पढ़ सकते हैं कि इसका कितने वर्ष में कितने क्या क्या परीक्षा होता है, कितने वर्ष का है, तो ये पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं और अगर 12वीं कर लिए हैं
और 12वीं अगर पीसीबी में किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर 45% के साथ आप उत्तीर्ण हो चुके हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जरूर कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टरी कोर्स या बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब आपको इसी प्रकार से रोजगार और शिक्षा की जानकारी मिलती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।